हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चर हूँ। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और मैं हर बार आपको ये बात बताता हूँ कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए लगातार मैं आपके लिए अपडेटेड कंटिन्यूस वीडियोज लेके आता रहता हूँ, जिससे आपके एग्जाम में बढ़ोतरी हो सके। और तो वैसे ही बोर्ड का टाइम चल रहा है। अब मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जिन्होंने सारा साल अपने माता पिता का पैसा खराब करा है, खराब करा है, बिल्कुल ही बर्बाद करा है। घर वालों की नजरों में तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर से जा रहे हैं ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन तक तो पहुंचते ही नहीं है, वहां से गायब हो जाते हैं। घर से जो पेट्रोल के पैसे मिलते हैं बाइक पे डलवा के इधर उधर फिरते रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं है। गलती से एक आधी बार अगर ट्यूशन पहुंच भी जाए तो वहां पर लेक्चर लगाए तो होते नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, ना तो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए, अगर वो अब भी पास होना चाहते हैं तो अपनी ये इस बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। वैसे तो उन बच्चों ने अब भी पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर अब भी उनके अंदर जज्बा बैठ गया है पढ़ने का, थोड़ा बहुत एक आधा परसेंट बचा कि हाँ पढ़ लेते हैं, शायद पास हो जाए, माँ बाप का पैसा थोड़ा सा, माँ बाप को भी खुशी हो जाएगी कि वो पास हो जाएंगे। अगर माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो तो वीडियो को देखो और इस हिसाब से तैयारी करो ताकि उन्हें खुशी हो कि हमारा बच्चा पास हो गया। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने वीक स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा मैंने एवरेज स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा मैंने इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यह है वीक स्टूडेंट के लिए, यह है एवरेज स्टूडेंट के लिए और यह है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए। ध्यान से देखना क्या लिखा है, वीडियो को मजाक में नहीं लेना। जो हमारे पास सबसे पहला जो हमने चैप्टर करना है, वो मैं बताऊंगा वीक स्टूडेंट के लिए। 70 में से 70 हमें पास होने के लिए 23 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर हमने ये सारे चैप्टर कर लिए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 27 मार्क्स। कितने हो जाएंगे, 27 में से 23 तो आ ही जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमें करना है चैप्टर फोर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। जो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये 5 नंबर का चैप्टर है। कैसा है ये, 5 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 और 7 करना है। जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये मेटलर्जी वाला चैप्टर है, ये चैप्टर है 3 मार्क्स का, इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी ठीक है चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा एवरेज में भी नहीं, आसान चैप्टर रहता है, 5 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद आपने करना चैप्टर नंबर 13 का नाम है बायो मॉलिक्यूल। तो ये जो चैप्टर हमारे पास है, ये चैप्टर हमारे पास 4 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 14 है पॉलीमर चैप्टर, ये पॉलीमर चैप्टर 3 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 15 का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और चैप्टर नंबर 8 है 4 मार्क्स का, डी एंड एफ ऑफ एलिमेंट्स, 4 मार्क्स का है। तो देखिए 5 और 5 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 और 4 20 20 और 4 24 और 3 27 27 मार्क्स। अगर आपने अच्छे से ये 5 चैप्टर सिंपलेस्ट चैप्टर कर लिए तो कोई भी एग्जामिनर, कोई भी पेपर चेक कर, आपका पेपर जैसे मर्जी चेक कर ले, आपको पास होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, आप पास हो गए होगे। अगर आपने अभी भी ये वीडियो देख के अच्छे से आपने ये तैयारी भी कर ली, और वीडियो के बीच में उन्हीं बच्चों को कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने माँ बाप का पैसा सारा साल भी खराब करा है और अपना कीमती टाइम बर्बाद करा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और लोगों को भी मोटिवेट करो इस वीडियो को लेकर कि अभी भी आप लोग पास सकते हो, पढ़ सकते हो। अब एवरेज स्टूडेंट के लिए, ये एवरेज स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी सोच 65 से लेकर 75% तक मार्क्स लेनी होती है। वीक स्टूडेंट तो चाहता है बस 60% नंबर आ जाए, हो जाए परमात्मा की दया से, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट चाहता है कि 65% से 75% के रेंज में आ जाए, एक 12वीं के बाद बीटेक या बीएससी करके अपना 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बस जो उनकी छोटी सी सोच होती है तो वो एवरेज स्टूडेंट के लिए होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं जो लेके आया हूँ उनको करना है चैप्टर नंबर वन का नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर थ्री का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री।
चैप्टर नंबर 9 का नाम है हैलोजेंस एंड हैलोरिंग्स। चैप्टर नंबर 10 का नाम है अल्कोहल फिनोल्स एंड इथर। चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जो कि 4 नंबर का चैप्टर है, जो कि कितने मार्क्स है, 4 नंबर का। तो ये सेक्शन हमारे पास एवरेज बच्चों को, एवरेज स्टूडेंट्स याद रखेगा, सिर्फ यही चैप्टर नहीं करने हैं, क्योंकि 5 और 4 9 9 5 14 14 और 5 19 19 और 4 20 यानी 23। आप सोचेंगे 23 मार्क्स लेकर हम कैसे पास हो सकते हैं, तो बेटे 23 ये तो आपने करनी है, साथ में ये भी कर रहे हैं, 27 + 23 कितने हो गए, 50 मार्क्स। ये 23 हुए, ये 27, ये तो वीक बच्चों के लिए थे। एवरेज वालों ने ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। अगर 65-75% नंबर लोगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, कि अपने लाइक अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओगे, कुछ नंबरों से आपका कुछ तो हो ही जाएगा जिंदगी में। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो जिंदगी में बस मार्क्स के बेस पे उछलते हैं, जिनकी जिंदगी में मार्क्स सब कुछ होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वो जो IITians बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ अपनी अचीव हो, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नॉन मेडिकल रखी है और भाग्यशाली है बहुत ज्यादा, जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में उनको इंटेलिजेंट बच्चों को सबसे पहले तो ये सारे चैप्टर भी करने का जो कि आसान है। उसके बाद ये एवरेज स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज बच्चों वाले चैप्टर थे ये करने हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट बच्चों ने पहले ये करना है, फिर ये करना है, सबसे लास्ट में क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 जो कि 5 मार्क्स का है, बड़ा ही मुश्किल चैप्टर, सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 5 मार्क्स का है, जो कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन चैप्टर हमारे पास 5 नंबर का है, फिर करना है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है 7 मार्क्स का, यह पी ब्लॉक एलिमेंट। चैप्टर नंबर 6 है 7 मार्क्स का, यह है पी ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने इसे मुश्किल की कैटेगरी में रखा है। ध्यान से पढ़े, 1.5 घंटा 2 घंटे लगाए, ध्यान से पढ़े, 7 मार्क्स है। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो 7 में से 3 नंबर तो कहीं देंगे, थोड़ा ज्यादा अंतर से पढ़ लेंगे तो 5 नंबर कहीं देंगे, पूरा डीप में पढ़ लेंगे, पूरा दिन लगाएंगे तो 7 नंबर बन जाएंगे आपके। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि 6 नंबर का चैप्टर, आपने बड़े ध्यान से करना है, सुबह से करना, ऑर्गेनिक का चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन द होल सब्जेक्ट, एंड यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। तो ये इटालियन बच्चों के लिए था, पहले हमने ये चैप्टर करने हैं, फिर ये वाले। मैं फिर से आपको लास्ट में ओवरव्यू कर देता हूं, वीक बच्चों ने सिर्फ ये वाले चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 4 5 7 13 14 15 और 8, इन सारे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टरों को करके, सिर्फ 15 में से 7 चैप्टरों को करके आपके 27 नंबर 27 मार्क्स आपके बड़े आसानी से आ जाएंगे। एवरेज बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले ये 7 चैप्टर करने हैं, उसके बाद 1 3 9 10 12 ये 5 चैप्टर करने हैं। एवरेज बच्चों को ये 7 तो करने हैं और ये 5 करने हैं 12, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये 7 भी करने हैं, ये 5 भी करने हैं, और ये 3 भी करने हैं, चैप्टर नंबर 2 6 और 11। तो अगर अपने माँ बाप की थोड़ी सी चिंता है, थोड़ा सा है कि उनके लिए कुछ करना है, आप खुद सोचो, अगर आप अब भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, आप जब आप अपनी छोड़ो, आपके माता पिता जब रास्ते से जा रहे हो, अगर आप फेल हो जाए, वैसे तो परमात्मा करे, गॉड करे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, लेकिन गलती से अगर आप नहीं पढ़ते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो आपके घर वाले अगर कहीं रोड के सामने से जा रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूँ एक्स, किसी बच्चे का नाम ले लिया एक्स, तो वो कहेंगे ओहो ये तो एक्स के मम्मी डैडी जा रहे हैं, ये तो कोई फेलियर बच्चा है, जिसके मम्मी पापा ने इसके अच्छे से अच्छे जगह ट्यूशन रखाई, लेकिन इसके मार्क्स इतने आए 0 या 10 या 15 पासिंग मार्क्स से कम आए, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, तो अभी भी आपका टाइम है, पढ़ लो बेटे, जिंदगी आपकी है, वक्त आपका, जिंदगी में आपने अपना खर्चा और अपनी फैमिली का खर्चा उठाना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय भगत सिंह।